भारत में सब जगह के मंदिर में तीर्थ स्थानों पर अभिषेक के पहले स्नान के लिए स्नान गृह बने हुए हैं, लेकिन जबलपुर के किसी मंदिर में ये व्यवस्था नहीं है। महाराज जी, व्यवस्था होना चाहिए नहीं, कृपया मार्गदर्शन करें। शास्त्रीय भाषा ये है कि किसी भी शास्त्र में आज तक हमने किसी मंदिर के साथ स्नान गृह नहीं मिला, किसी भी आगम में। अकृत्रिम चैत्यालय को भी देखा, वास्तु को भी देखा, मंदिरों के संबंध में मैं इतने सालों से अध्ययन कर रहा हूँ, कहीं भी स्नान गृह, कपड़े धोने का स्थान, सुखाने का, इसकी कोई व्यवस्था कहीं है ही नहीं और कहीं की नहीं गई, क्योंकि ये वस्त्र आदि जो हैं स्वयं से घर के पहन के आना चाहिए। और विगत 2011 में मैंने कॉलोनी कॉलोनी जाकर के यह बात को जगाया था कि घर से यहाँ आकर के मंदिर में मैल मत छोड़ो, मंदिर में आकर के मैल यहाँ छोड़ के जाते हो, यहाँ नहाते हो, यहाँ गंदे होकर जाते हो, मंदिर तुम्हें सोला का कपड़ा देता है तुम उसे गंदा करके छोड़ के जाते हो। इसी मंदिर के पीछे गैलरी है, वहाँ देखो भीड़ लगे रहते हैं, कभी कभी मैं निकल जाता हूँ पीछे से, भीड़ होती थी, अच्छी परंपरा नहीं। और ये बात मुझे जब लगी, जब मैंने लाडगंज के मंदिर में गंदी व्यवस्था देखी, दोपहर के बाद भगवान की वेदियों के सामने सारे गंदे कपड़े, और मंदिर के जितने गंदे कपड़े होते हैं ये दरिद्रता की निशानी है। जिस कपड़े में मैल हो, वह फटा हुआ हो, दूसरे का उतारा हुआ हो, ऐसे कपड़े पहनना दरिद्रता को निमंत्रण देना है। पहला कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए, मैल यदि है और मैले कपड़े से यदि पूजन अभिषेक करते हैं, आहार देते हैं, तो दोष है। फटा हुआ नहीं होना चाहिए और दूसरे का उतरा हुआ नहीं होना चाहिए। और ये मंदिर के कपड़े कौन कौन पहनता है? घर में तो सगे भाई का अंडरवियर भी नहीं पहनो, और यहाँ किस किस के उतरे हैं, और किसी को खुजली मुजली हुई तो माली कैसे धोता है? देख लिया, मैंने धोते देख लिया, वो यूं डालता है और निकाल के डाल लेता है। तो ये परंपराएं गलत हैं। अपने घरों में कपड़े धोइए, घरों से लाइए, दूर घर है तो स्टील का एक डिब्बा बना लीजिए, उसमें घड़ी कर कर के रखिए और गीली टावल लाइए और मंदिर में कपड़ों को बदल लीजिए। लेकिन मंदिर में नहाना, मंदिर में कपड़े बदलना, ये कोई विशेष परिस्थिति में कोई यात्री आते हैं करते हैं तो बात अलग है। तीर्थ क्षेत्रों पर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि यात्री बाहर से भी आता है करता है, तो मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो रास्ता है सही वो बता रहा हूँ। फिर भी यदि आप लोग बनाते हैं तो कोई बात नहीं, बना देना चाहिए। फिर भी मंदिरों में स्नान गृह की चर्चा आई, बनाना है तो स्नान गृह कैसा बनना चाहिए ये यदि देखना है तो सांगानेर जयपुर के पास जाके देख के आओ। दूसरा स्नान गृह देखना है तो तपोदय तीर्थ बिजोलिया देख के आओ। तीसरा स्नान गृह देखना है तो चंद्रोदय तीर्थ चांदखेड़ी देख के आओ। चांदखेड़ी में तय बन रहा है, एक स्नान गृह 30 से 40 लाख रुपए लग रहा है स्नान गृह में। और उन्होंने इतना बढ़िया स्नान बनाया कि लोग घर में नहीं नहाते, वहीं आके नहाते, तो एक इतना स्वच्छ साफ, जहाँ एक व्यवस्था मंदिर की एक व्यवस्था होना चाहिए हर चीज़ पर स्वच्छता, क्योंकि जहाँ गंदगी रहेगी वहाँ जीवों की उत्पत्ति होगी। जीवों की उत्पत्ति के पहले सफाई करना दोष नहीं है, लेकिन जीव उत्पत्ति के बाद सफाई करना हिंसा है। तो इतने अच्छे ढंग के साफ सुथरे बनाए जिसके माध्यम से वहाँ किसी प्रकार की दुर्गंध या गंदगी ना आए, क्योंकि मंदिर की जो पवित्र सुवासित गंध होती है वो कहीं उस दुर्गंध से बाधित ना हो जाए।